Hi friends, welcome back to my channel, Monica here. बहुत ही हेल्दी और नेचुरल तरीके से वेट लॉस करने के लिए आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सूप की एक ऐसी रेसिपी जो कि हाईली फाइबरस है, लो कैलोरिक है और बहुत ही बेनिफिशियल है हमारे लिए और बहुत ही आसान तरीके से वेट लॉस होता है। ये मैंने ब्रोकली और अदर वेजिटेबल्स की मदद से बनाया है और जब हम इनमें स्पाइसेस और बाकी के हर्ब्स डाल देते हैं तो ये डबल बेनिफिशियल हो जाता है हमारे लिए। और अगर आप रात को डिनर में खाना स्किप करके ये सूप ही लेते हैं, फुलर फीलिंग तो ये दे ही देता है और इससे फैट्स भी नहीं बढ़ते तो आपका बहुत ही जल्दी और तेजी से वजन कम होने लगता है। ये मेरा खुद का भी आजमाया हुआ है। तो देखिए मैं कैसे बना रही हूँ, कौन कौन से हर्ब्स स्पाइसेस और वेजिटेबल्स यूज कर रही हूँ। लेकिन ये भी है कि अगर आपके पास घर में ये सेम वेजिटेबल्स मौजूद नहीं है तो जो भी आपके पास अवेलेबल हैं आप उन्हीं की मदद से ये सूप तैयार कर सकते हैं। और नमक, काली मिर्च और नींबू डाल के आप इसको अपने टेस्ट का बना सकते हैं और आप इससे बेनिफिट उठा सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं बहुत ही बढ़िया सा लो कैलोरिक हाई फाइबरस सूप। वेजिटेबल्स जो मैंने ली हैं वो है ब्रोकली के थोड़े से फ्लोरेट्स और दूसरे नंबर पे है क्रश्ड ब्रोकली, देन हरे मटर, एक टमाटर कटा हुआ, एक गाजर बारीक कटी हुई, एक शिमला मिर्च और ये नीचे सबसे नीचे है थोड़ी सी बंद गोभी और ये कुछ स्पाइसेस और हर्ब्स हैं। सबसे पहले अदरक और लहसुन बारीक कटा हुआ और ये एक स्प्रिंग अनियन है, उसके बाद सोया सॉस, ग्रीन चिली सॉस, देन रेड चिली सॉस, एक स्पून के बराबर वाइट विनेगर है, उसके बाद स्वीट कॉर्न्स थोड़े से, एक स्पून ऑयल और उसके बाद टू स्पून्स हैं कॉर्नफ्लावर, नीचे है नमक 1 टीस्पून, उसके बाद काली मिर्च 1 टीस्पून, आधा टीस्पून भुना हुआ जीरा और स्प्रिंग अनियन का ग्रीन पार्ट और यहाँ पर हरा धनिया गार्निशिंग के लिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मैंने फ्लोरेट्स काटे हुए हैं ब्रोकली के उनको हम बॉयल करेंगे। साफ पानी लेके इसमें मैंने इनको बॉयल करने के लिए डाल दिया है। एक ही पीस ब्रोकली का मैंने आधा इस तरह से काटा था और आधा मैंने बहुत ही बारीक काटा है। सिर्फ एक स्पून मैंने इसमें ऑयल डाला है और अब हम इसमें डालेंगे स्प्रिंग अनियन जो मैंने काट के रखा हुआ है। इसको थोड़ी देर सोते करने के बाद हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन और इन तीनों चीज़ों को थोड़ा सा भून लेंगे। ये ध्यान रखिए कि इनको बहुत ज़्यादा हमने नहीं भूनना क्योंकि फिर जो लहसुन की अपनी हल्की सी स्मेल आ जाती है वो सूप में अच्छी नहीं लगती। बस थोड़ा सा ही इनको भून के अब इनमें बाकी की वेजिटेबल्स, ये पहले मैंने ब्रोकली डाली है, ग्रीन मटर और ये गाजर और ये टमाटर, ये सारी वेजिटेबल्स डाल के अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेंगे। ये सारी ही वेजिटेबल्स बहुत ही लो कैलोरी वाली हैं लेकिन इनमें विटामिन्स और मिनरल्स बहुत होते हैं। ब्रोकली जो है वो हाई फाइबरस फूड है और अपने आप में वजन कम करने के लिए बहुत ही अच्छा फूड है। गाजर में बीटा कैरोटीन होती है, टमाटर में लाइकोपीन पाया जाता है। हर वेजिटेबल का अपना अपना एक इम्पॉर्टेंस है अपनी अपनी। ये दूसरी साइड ब्रोकली जो है वो बॉयल हो रही है, इसको हल्का सा मैंने इसमें पानी डाल के इसको हम थोड़ी देर के लिए स्टीम आने पे रख देंगे कि ये अपनी स्टीम से ही सब्जी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। और ये जो बॉयल की है ब्रोकली इसको हम एकदम से बारीक पीस लेंगे। ये जो पानी है इसको मैंने साइड पे रखा है, इसी को हम सूप में डालेंगे। ये देखिए इस तरह से ब्रोकली को मैंने ग्राइंड कर लिया है। बाकी की सब्जियां भी जब तक काफी सॉफ्ट हो चुकी हैं।
वही वाला पानी मैं इसमें यूज कर रही हूँ सूप के लिए। एक बार फिर से इसको ढक के पकने दिया मैंने। अब ये बॉयल आने लग गया है, तो चेक करते रहें बीच में जब सब्जी ये वाली पक जाए। तो अब मैंने इसमें शिमला मिर्च डाली है और ये जो ब्रोकली पीसी हुई थी वो डाल दी है। ब्रोकली इस तरह पीस के डालने से इसका कलर बहुत अच्छा हो जाता है और थिकनेस भी हो जाती है सूप में। ये देखिए गाजर भी गल गई है, मटर के दाने भी गल चुके हैं। स्वीट कॉर्न्स मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़े से, बहुत अच्छा टेस्ट आता है स्वीट कॉर्न्स का इनमें। काली मिर्च डाल दी है मैंने, थोड़ा सा विनेगर डाला है और ये सोया सॉस, ग्रीन चिली सॉस। ये सारी सॉसेस जो हैं ये इसका टेस्ट इंक्रीज करने के लिए हैं, लेकिन घर में जो भी अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं। अगर कोई चीज़ अवेलेबल नहीं भी है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी ये सूप बहुत स्वादिष्ट लगता है। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें ऐड करें, मैंने इसमें एक स्पून डाला है। जब आपको लगे कि ये सब्जियां बिल्कुल रेडी हैं तो 2 स्पून के करीब कॉर्न फ्लोर इस तरह पानी में अच्छे से मिक्स करके, इसमें कोई भी लम्स ना रहे इनमें, आप सूप में ऐड कर दें। इससे क्या होता है कि सूप की थिकनेस बढ़ जाती है एकदम से और ये क्रीमी हो जाता है। और सूप तो ऑलवेज क्रीमी ही अच्छा लगता है। ये देखिए एंड में मैं इसमें ये कैबेज और हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ। इसको एंड में इसलिए डाल रहे हैं कि कैबेज जो है वो बहुत ही जल्दी सॉफ्ट होती है, अगर हम इसको पहले डाल दें तो वो फिर अच्छी नहीं लगती, थोड़ी सी क्रिस्पी क्रंची ही ये अच्छी लगती है। भुना हुआ जीरा डाल दिया अब मैंने। भुना हुआ जीरा किसी भी सूप में बहुत अच्छा टेस्ट देता है। और ये गार्निशिंग के लिए मैंने डाल दिया है हरा धनिया। और ये सूप अब बिल्कुल रेडी है, तो चलिए सर्व करते हैं। मैंने इसको थिक रखा है और आप भी कोशिश कीजिए इसी तरह से इसको थिक बनाइए कि आप इसको डिनर की जगह पे ले रहे हैं तो अगर आप एक बाउल भी इसका लेंगे तो आपका पेट अच्छे से भरेगा और बहुत जल्दी आपको भूख नहीं लगेगी, लेकिन वेट आपका कम होना शुरू हो जाएगा। लीजिए बहुत ही स्वादिष्ट सूप तैयार है। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स, थैंक यू।